वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोज हु आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, थोड़ी ठीक हूँ क्योंकि मुझे वैक्सीन लग चुकी है और थोड़ा बुखार है और हाथों में दर्द है। तो सोनी को तो कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, जब से आई है सारे काम कर रही है, लेकिन इसको ना बुखार आया, ना इसके सर दर्द हो रहा, ना कुछ हो रहा, इसका सही हो रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है। हम ही बीमार पड़े हुए हैं यहाँ। लेकिन इसमें एक फ़ायदा तो हो रहा है, अंदर चुपचाप बैठने को मिल रहा है, अंदर टन्ने से बिस्तर लगा दे रही हूँ मस्त से। उसके बाद सारा काम यही कर रही है, तो अच्छा ही हो रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी। तो चलो फिर आगे का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाकी सब लोग घर में क्या कर रहे हैं। चलो फिर। यहाँ पर सोनी पुलम छान रही है। सुबह मम्मी ने ये पुलम पका लिया था, आज बनेगी पुलम की चटनी हमारी वहाँ। तो सोनी यहाँ पर इसको छान रही है। मौनजा तो हमेशा की तरह यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं जा रही हूँ अम्मा के साथ खेत में कसी लेके, मुझे गूल देनी है आगे से, तो क्योंकि सीमी बो रहे ना तो गूल में बोएंगे। इस खेत में परसों हमने घास काटी थी और अब यहाँ पर खुदाई करेंगे, फिर जाके सीमी बोएंगे। तो ये देखो मैंने सारी गूल दे दी है, अब इसमें अम्मा सीमी और मक्का बो रही है। ये देखो ये है सीमी और मक्का, इसको हम डालते हैं इन गूलों में ऐसे करके, दूर दूर पे ऐसे डालते हैं, फिर जाके पीछे से इसको ढकते हुए अम्मा लोग आ रहे हैं। तो गाइज अभी हो रहा है शाम का टाइम और सुबह से मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया कुछ, वो इसलिए क्योंकि सुबह मैं अम्मा लोग के साथ गई थी सीमी बोने, तो तब सोनी आई और सोनी ने खबर दी कि जो हमारा मोटू है, बिल्ली हमारी, वो मर गई। हुआ कुछ ये कि उसके दो बच्चे थे, चिंटू और मिंटू। जो मिंटू है पता नहीं उसको कल क्या हुआ, और पहले वो मर गई थी। उसको मैंने तो लास्ट टाइम पे जब वो मर रही थी तब मैंने उसको पानी भी पिलाया था, तो मैंने और अम्मा ने मिलके पानी पिलाया था और उसी वक्त वो थोड़ी देर में मर भी गई थी। और हमने सोचा क्या पता उसमें थोड़ी सांस रही हो, कहीं हम उसको जिंदा न दफना दें, तो हमने उसको थोड़ी देर के लिए वहीं पर छोड़ दिया था। ये चिंटू और उसकी मम्मी मोटू दोनों वहीं पर थे, तो बाद में उसको पता चल गया होगा मोटू को कि ये मर गई, तो उसने खुद ही खड्डा खोदा हाथों से थोड़ा थोड़ा और उसको दफना दिया था। और रात को फिर शायद मोटू ने यहाँ पर उल्टियाँ भी कर रखी थी, यहाँ पर भी कर रखी थी, नीचे सीढ़ियों पे भी कर रखी थी, पता नहीं उससे क्या हुआ, शायद उसने रात में कोई जहरीला कीड़ा वगैरह खा लिया होगा, इसलिए उसे रात भर उल्टी भी हुई थी। और सुबह भी वो यहाँ पर लेटी हुई थी, यहीं पे अंगूर के पेड़ के नीचे एक नाली जैसी है, तो वहाँ पर लेटी हुई थी। तो उसकी तबीयत तो ख़राब ही थी, हमें पता ही था कि रात भर उसने यहाँ पर उल्टी कर रखी है और अभी यहाँ पर लेटी पड़ी है। और दिन क्योंकि हमें ऐसे पता चला ना, क्योंकि वो और दिन जब हम उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो भागती है, आज वो बिल्कुल भागी भी नहीं, और उसके बाद तबीयत ख़राब थी करके हमने वहाँ पर उसको, उसकी जो दूध की कटोरी थी वहीं पर रखी, तो उसने दूध भी नहीं पिया। बच्चे ने तो पिया, जो चिंटू बचा था उसने तो पिया, लेकिन उसने नहीं पिया, तो पता तो चल गया था उसकी तबीयत ख़राब है, तो हमने उसको वहीं पर छोड़ दिया था। चिंटू भी उसी के पास में इधर उधर घूम रहा था। तो हम चले गए सीमी बोने और थोड़ी देर में सोनी आई और सोनी ने खबर दी कि मोटू जो है वो मर गया। तो उसके बाद हमने मोटू को भी दफना दिया था,
तो उसके बाद जो बचा चिंटू, चिंटू को हम नीचे तो अपने पास में लेके आ गए, हमने उसको हर 2-3 घंटे में, हर आधे घंटे में कभी कभी ऐसे दूध पिला रहे हैं, तो वो दूध भी पी रहा है, लेकिन बार बार क्या हो रहा है ना, वहाँ से वो उठ के भाग के आ रहा है और वापस, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे उसकी मम्मी की और उसके भाई की डेथ हुई थी, तो वो बार बार वहीं पर आ रहा है और वहाँ पर आके म्याओ म्याओ बहुत चिल्ला रहा है, तो हम उसको बार बार नीचे लेके जा रहे हैं, वो बार बार इधर ही आ रहा है। हमने बहुत देर के लिए यहाँ पे उसको छोड़ भी दिया था, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। फिर नीचे ही लेके जा रहे हैं उसको हम लोग, उसके लिए पेटी वगैरह हमने रख दी है। वैसे तो और दिन जो छोटी वाली बिल्ली है वो बड़ी वाली बिल्ली के साथ ही, यहाँ जो हमारा गाय का गोट है वहाँ साथ में रहते थे अंदर ही, लेकिन अब है कोई है तो नहीं, वो बेचारी अकेली रहेगी। तो अब जो चिंटू है वो अकेले रह गई है, उसको हम नीचे लेके जाएंगे अपने साथ ही, नीचे अपने रूम में ही सुलाएंगे, देखते हैं कि वो बच जाती है कि नहीं बचती है। हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बचा लें अच्छे से, देखते हैं क्या होता है। तो पता नहीं क्या हुआ, किसकी नज़र लगी, और वैसे लोग कह रहे हैं कि क्या करना है, कोई बात नहीं, बिल्ली तो थी, आजकल इतनी बिल्लियाँ हो रही हैं, कोई और बिल्ली पालोगे, लेकिन जो चीज़ अपनी थी इतने टाइम से तो उसकी, उसके लिए थोड़ा बुरा तो लगता ही है। लो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ, कभी कुछ हो जाता है। तो चिंटू आ जा, आज तो दिन भर कुछ किया नहीं, तो आज दिन भर का कुछ ऐसा ही था कि हम सब बिल्ली के पीछे लगे हुए थे। तो सोनी कह रही है कि अभी चिंटू बहुत खुश हो रहा है, नीचे गाय का जो बछड़ा है छोटा सा, जो हमारी सरुली है, उसके साथ में वो खेल कर रहे, तो ऐसे ही खुश रहे तो बच जाएगी वो। चिंटू तू यहाँ बैठा ले, ये देखो वो अपनी सरुली है और ये अपना चिंटू कैसे बैठा है उसके पास में, उसको गुदगुदी लग रही है शायद उसके बालों से।